मैं भी ले रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो आई शुड थिंक अबाउट इट, लेकिन आई थिंक सब महिला को होना चाहिए ये टाइटल। आई थिंक इट्स एप्ट फॉर ऑल द वुमेन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज यहाँ पे हूँ फॉर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड टू क्राउन क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। सो यस, मुझे वो टाइटल बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत अच्छा टाइटल है। ये जो हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लाइक हर वर्ल्ड से लोगों को अच्छे में आई थिंक वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चेंज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चेंज। कि पहले सारे जो कॉन्टेस्ट होते थे तो सब सिंगल अनमैरिड वुमेन के लिए होता था, और अब इतने सारे कॉन्टेस्ट है जहाँ पे फॉर मैरिड वुमेन, वर्किंग वुमेन। सो आई थिंक ये जो टाइटल है बहुत अच्छा है एंड ये चेंज भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मलाइका जी फॉर ग्रेसिंग हर प्रेजेंस टुडे विद आवर पेजेंट, एंड वो सही मायने में क्वीन है एंड दैट इज़ व्हाई शी इज़ हियर टुडे टू क्राउन ऑल आवर क्वींस। एंड जैसा कि उन्होंने बोला, हमारा जो पेजेंट है यहाँ पे एक 18 ईयर ओल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकती है और एक ग्रैंड मदर भी पार्टिसिपेट कर सकती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। It's
I'm wearing a Naeem Khan and yeah, it's very, it's beautiful, it's lovely, बहुत ही अलग color है, it's stunning. Ma'am, what are your expectations for tonight? Well, like Gurmeet said, I think it's really nice, you know, to kind of represent women from all walks of life, all ages, all sizes, all women from all over. So I think, like she said, inclusivity is very important, and one shouldn't have stereotypes. One should not just have women in pageants because they look a certain way. I think it's wonderful when you represent women from a cross section of society. So I'm really glad that is there. टिप्स तो मैंने कुछ टिप्स तो नहीं है, लेकिन जैसे जो टाइटल है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक हर एक के लिए इट्स हर एक के लिए परफेक्ट है, हर एक के लिए, हर औरत के लिए बहुत अच्छा है. सो आई थिंक आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी टिप्स. आई जस्ट वांट टू से हैव अ गुड टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योर सेल्फ, एंड यू ट्रूली आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. कैसे हो? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे आप आज इस मौके पर? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो पेजेंट हो रहा है, दैट्स आई मीन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट उर्मी बरुआ फॉर लॉन्चिंग दिस प्लेटफॉर्म. अब लड़कियों को देख के पता चलेगा, पर मैं समझती हूँ जैसा इनका फॉर्मेट है, talks about not just glamour and beauty but all about diversity and inclusivity. मतलब हर तरह के लोग इसमें हैं शामिल. That's a good thing and I'm really looking forward to the crowning. मिसेज भी थे हमारी, तो चारों लड़कियां जीती थी इंटरनेशनल, तो मिसेज भी हैं, पर अम्मा ही रहे तो ठीक है. ठीक है, चलो छोड़ो, और क्या पूछा, अच्छी बात पूछो. यस, अब टिप्स क्या दूंगी, मुझे लगता था गर्ल्स today are very smart and very bold, very confident.
उनको शायद ही ज़रूरत पड़े कोई टिप्स की, पर यस आई एम ऑलवेज देयर टू मेंटोर. अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए, सजेशंस चाहिए, तो मैं हूँ वहाँ पे, मैं दूंगी. Same here. हो गई, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं. आई होप ऑल ऑफ यू ऑल हैव और हैव हैड अ ग्रेट एंजॉयबल एंड सेफ दिवाली. थैंक यू. ग्लैड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. सेम हियर. क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की जो फाउंडर है, जो सीईओ है, उर्मी जी बारुआ जी, शी हरसेल्फ आई थिंक इज़ अ फॉर्मर मिसेज इंडिया, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और बहुत ऐसे टैलेंटेड महिलाओं को एक अवसर, एक मौका मिलेगा टू पार्टिसिपेट, एंड इट्स रियली अ ग्रेट एंड कमेंडेबल इनिशिएटिव. थैंक यू. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने, उनके प्रेजेंस से आज हमारा ये जो माहौल है वो चकाचौंध लगा दिया. शी इज़ हरसेल्फ अ क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन ऑल सी दैट. या एंड यस, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सभी तरीके की महिलाओं को, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गेट वुमेन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टुगेदर to be real queens. Yeah, and it's not just about beauty or just the exterior, it's also about how they've contributed towards society. Doctors hain bahut talented aur alag alag ha alag alag kshetra se mahilaen hain, so it's about beauty and brains and also service, how they've served mankind and humanity. I think that also counts in this pageant. देखिए, औरत किसी की दादी भी होंगी, किसी की मासी भी होंगी, ये जो चेंज आ रहा है ये कैसे देख? ये पहले से ही था, बस आप लोग नहीं देख रहे थे. ये पहले से ही था, बस अभी अवेयरनेस क्रिएट हो गया है सबसे. इमोशनली और फिजिकली, मैं तो कह रही हूँ फिजिकली भी, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द वर्च्यू ऑफ प्रोक्रिएशन एंड गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, जो आप लोगों में सॉरी नहीं है. बट मुझे लगता है औरत नहीं हो तो एक फैमिली कम्प्लीट ही नहीं हो सकती, नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ अ प्रो क्रिएटर, बट ऑल्सो बिकॉज शी कैन मेक और मार अ फैमिली. एक औरत मल्टी टास्क कर सकती है, एक औरत अपना घर भी संभाल सकती है और बाहर जाके काम भी कर सकती है, और आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ विच हैवंट बीन एक्नॉलेज्ड. सो फाइनली आई थिंक आप सब लोग अवेयर हो रहे हो कि हम लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत है, ये हमेशा थी. लाइक आई सेड, यू ऑल आर जस्ट बिकमिंग अवेयर नाउ. महाराष्ट्र
2019 में मेरे 5 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हुए थे. अनफॉर्चुनेटली टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ 2019 और 2019 में हुआन में और जो भी हुआ 20 में द पैंडमिक हिट द होल वर्ल्ड एंड इंडिया स्पेशली इन मार्च मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मतलब डीले हो गए. तो अभी 2022 में मेरे 3 फिल्में और 3 वेब सीरीज आप को सब आपको दिखाई देंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 2022. सब है, एक पॉलिटिकल सटायर है, एक थ्रिलर है, एक कॉमेडी है. सो बहुत ही अलग अलग. अनफॉर्चुनेटली वेब्स ऐसा एक मीडियम है जिसके वजह से कंटेंट जो है वो अलग तरीके का बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एज फार एज द वेब मीडियम इज़ कंसर्न. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल. बाय. थैंक यू. Madam, take a picture together. Yeah. Come.